सब्सक्राइब कीजिए प्रीतिस केक एंड कुकिंग को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेड वेलवेट केक। ये केक बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी होता है और ये देखने में जितना ब्यूटीफुल टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही डिलीशियस। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप दूध ले लिया है। दूध मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। उस दूध में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना विनेगर। ये प्लेन वाइट विनेगर है, तो इसको हम बटर मिल्क बनाएंगे इसीलिए हम दूध और विनेगर को ऐड करेंगे और उसको हम अलग रखेंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो एक बड़े बोल में मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे पिसी हुई चीनी, पाउडर्ड शुगर, उसको भी हम छान लेंगे। तो अभी हमारे रेड वेलवेट केक को अब एकदम फ्लफी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 TSP बेकिंग पाउडर एंड 1/2 TSP हम लेंगे बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से हम छान लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे रेड वेलवेट केक बनाना बहुत ही आसान है घर पे, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो अभी यहाँ पे हमारा जो दूध है, जो हमने इसमें विनेगर मिला के अलग रखा था, वो भी देखिए बटर मिल्क बन चुका है। तो अभी इस दूध को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम देंगे लगभग 1/2 कप जितना ऑयल और 1 टेबल स्पून हम इसमें देंगे वनीला एसेंस। तो अभी हम ऑयल और मिल्क को भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें मिलाएंगे 4 to 5 drops जितना रेड फूड कलर, ताकि हमारा जो रेड वेलवेट केक है उसमें बहुत ही अच्छा रेड कलर आए। और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा रेड कलर आया है। तो अभी हम चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उसमें हम पहले मिलाएंगे 1/4 कप जितना कोका पाउडर और ये मिलाने के बाद हम जो हमारा लिक्विड वाला मिक्सचर है उसको हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर कोका पाउडर से हमारा जो केक है उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अभी हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये जो लिक्विड वाला मिक्सचर है उसको हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमने सारा हमारा लिक्विड मिक्सचर बैटर में डाल दिया है और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें से सारे लम्स निकल जाएं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी यम्मी रेसिपीज़ मिलती रहे। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने 7 इंच का केक टिन ले लिया है। उस पर हम लगाएंगे नीचे बटर पेपर और साइड्स में भी बटर पेपर लगा देंगे। हम केक टिन के साइज़ का बटर पेपर को कट कर लेंगे और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप केक टिन को ऑयल या घी से ग्रीस करके उसके ऊपर सूखा आटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और इस तरह से आप केक टिन को ग्रीस कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा पूरा केक का बैटर और यहाँ पर हम अब इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। और अभी हम चलते हैं इसे बेक करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को 10 मिनट्स के लिए पहले से ही प्रीहीट करके रखा है 180 डिग्री पे। तो अभी हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। इसको हम 40 से 50 मिनट के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे। और देखिए यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छे से फूला है और ऊपर से भी देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हमने केक को 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। तो अभी इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही आसानी से हमारा केक निकल गया है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी टूटा नहीं है ये। और इसके हम साइड से बटर पेपर हटा लेंगे और ऊपर से भी रिमूव कर लेंगे। आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी एंड स्पॉन्जी हमारा बेस बना है केक का। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा और होने देंगे, फिर इसमें हम आइसिंग करेंगे। तो केक हमारा यहाँ पर ठंडा हो गया है। तो अभी इसकी हम लेयर्स कट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके ऊपर का पार्ट है वो हम पतली सी लेयर्स की कट कर लेंगे और इस पार्ट को हम केक में यूज़ नहीं करेंगे, इसका हम केक के ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये लेयर कट कर ली है। इसी तरह से हम केक की एक लेयर और कट कर लेंगे इसके सेंटर से।
तो यहाँ पर आप देखिए हमारी दूसरी लेयर भी कट हो गई है। इस तरह से आप किसी भी बड़े नाइफ से लेयर्स कट कर सकते हैं। और फिर जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया था उसके हम इस तरह से, कुकी कटर है मेरे पास ये हार्ट शेप का, तो इससे हम हार्ट शेप की इस तरह से देखिए कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने इस लेयर के देखिए इतने सारे हार्ट शेप में पीसेस कट कर लिए हैं। तो अभी जो हमारे बचे हुए जो पार्ट हैं इस लेयर का, उसका हम इस तरह से देखिए उसको हम क्रम्बल कर लेंगे। इसको भी हम केक में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बचा हुआ पार्ट था उसका हमने इस तरह से क्रम्बल कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं आइसिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 150 ग्राम क्रीम चीज़ ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे लगभग हाफ कप जितनी पाउडर्ड शुगर, और फिर इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून जितना वनीला एसेंस, और इन सबको अच्छे से हम विप कर लेंगे, मतलब कि इसको बिल्कुल हम स्मूथ बना लेंगे। यहाँ पर मैं केक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो जो हैंड विस्क होता है उससे भी आप इसको इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से ये इसका स्मूथनेस आ गया है, बिल्कुल फ्लफी हो गया है ये। तो अभी हम एक बड़े बोल में लेंगे लगभग 1 कप जितना व्हिपिंग क्रीम। तो अभी यहाँ पर इसको भी हम केक बीटर से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। जब तक कि इसकी स्टीफ पिक्स ना आ जाए तब तक हमें इसे बीट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी क्रीम भी बहुत ही अच्छे से बीट हो गई है, बहुत ही फ्लफी हो गई है ये, और इसके स्टिफ पीक्स भी आ गए हैं। तो अभी इस क्रीम में हम ऐड कर देंगे हमारा क्रीम चीज़ जो हमने बीट करके रखा है। उस पूरे क्रीम चीज़ को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी एक बार फिर से अच्छे से हम बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा क्रीम और क्रीम चीज़ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम केक की आइसिंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक लेयर ले ली है केक की, उसके ऊपर हम लगाएंगे शुगर सिरप। यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी में लगभग 1 टेबलस्पून जितनी पाउडर शुगर ऐड की है और यहाँ पे हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाता है। तो ये हमें केक की हर लेयर पे इसको इस तरह से टैप करते हुए अच्छे से लगा देना है। फिर हमें इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से क्रीम लगाना है, और क्रीम को हम अच्छी क्वांटिटी में लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से स्पैचुला की हेल्प से हम इसको इस तरह से देखिए फैलाते जाएंगे। तो पूरी लेयर पे हमें अच्छे से क्रीम फैला देना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से हमने क्रीम की एक लेयर लगा दी है। इसी तरह से हम दूसरी केक की लेयर लेंगे और उसमें भी हमें यही सेम स्टेप दोहराने हैं। यहाँ पर हमने केक की सेकेंड लेयर पे भी अच्छे से ऊपर क्रीम लगा दिया है। अब इसके साइड्स को भी हम कवर कर लेंगे। एक बार हम इसकी रफ फिनिशिंग करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सिर्फ क्रीम लगा देंगे, और फिर देखिए इस टूल की हेल्प से हम केक की जो साइड्स है और जो टॉप है उसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक का जो फिनिशिंग है क्रीम का वो बहुत ही अच्छे से लग गया है। तो अभी जो हमने केक के जो बचे हुए पार्ट थे जिनको हमने क्रम्बल करके रखा था उससे हम साइड्स में बिल्कुल अच्छे से इसको लगा देंगे, और केक के टॉप पे जो हमने हार्ट शेप के कट किए थे केक के टुकड़ों को, उनको भी हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और केक के जो क्रम्बल्स हैं उनको हम केक के टॉप के साइड्स में भी इस तरह से लगा देंगे, मतलब कि केक के टॉप का जो साइड है उसको भी हम क्रम्बल से कवर कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने पसंद की कोई भी डिज़ाइन से अपना केक डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा रेड वेलवेट केक बिल्कुल बनके तैयार है, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। तो आप भी इस रेड वेलवेट केक की रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये केक खाने में, बहुत ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी, बिल्कुल मुंह में घुल जाता है ये। तो आप इस वैलेंटाइन इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोज़ मिल सके और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।